सीरियल इशकबाज में अनिका और शिवाय के बीच आ गई है तान्या नाम की मुसीबत, लेकिन अनिका ने इस मुसीबत का भी खिड़की तोड़ इलाज ढूंढ निकाला है। अनिका ने तान्या की ड्रिंक में मिला दिया है जमाल घोटा। अब आगे क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। सीरियल इश्कबाज में एक बार फिर दो इश्कबाजों के बीच हो गई है विलेन की एंट्री। भाई शिवाय और अनिका की शादी को अभी थोड़ा वक्त ही निकला था कि अब इनके बीच आ गई है तान्या नाम की मुसीबत। सुनिए तो जरा, आज तान्या शिवाय के कमरे में शिवाय को ही धमका रही है। आइए जरा तान्या से ही पूछते हैं कि इश्कबाज में उनकी एंट्री आखिर किस मकसद से हुई है। जैसे कि हमेशा होता है कि हर शो में जब नई एंट्री होती है तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, यू नो लाइक कुछ तो मसाला होगा, देयर आर यू नो मेनी, जैसे कि लोग सोच रहे होते हैं ना क्या हो सकता है क्या हो सकता है। तो दिस एंट्री हैज यू नो मेनी सस्पेंस कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। तो हाँ ऐसी कुछ है इस एंट्री के साथ, एंड आई होप यू गाइज रियली एंजॉय इट। यानी तान्या के आने से शिवाय की लाइफ में एक बार फिर से काफी चेंजेस आने वाले हैं। अब शिवाय की लाइफ में हाँ चेंजेस बहुत कुछ आएंगे फॉर सम टाइम, यू नो मतलब ऐसा होगा कि कुछ उथल पुथल होगा और उसके बाद शायद सेटल हो जाएगा। मतलब इस कैरेक्टर को भी एक्चुअली पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और क्यों कर रही है। इट जस्ट यू नो मतलब हाँ कुछ चेंजेस जरूर आएंगे ऑब्वियसली। भाई तान्या ने शिवाय की नाक में दम करने की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अनिका भी कुछ कम नहीं है। आज तो अनिका ने तान्या की शरबत में जमाल घोटा मिलाने का प्लान बनाया है। लीजिए, अनिका ने मिला दिया तान्या की शरबत में जमाल घोटा। शरबत के गिलास लेकर अनिका पहुंच गई है शिवाय और तान्या के पास। अनिका तान्या को शरबत देने ही वाली होती है कि तभी बीच में आ जाता है अनिका का भाई, जो अनिका का प्लान ऑलमोस्ट फेल करने ही वाला होता है। जैसे तैसे अनिका ने अपना सुपर प्लान फेल होने से बचा लिया। लगता है अब तो अनिका ने पूरी तैयारी कर ली है तान्या की बैंड बजाने की। अनिका इज अ कैरेक्टर, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा वो अप्रिशिएट नहीं करेंगी, तो वो कुछ ना कुछ करेंगी यू नो शिवाय को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यू नो कि कोई और रास्ता वो निकाले ताकि वो मुझे बीट कर सके, और यू नो कोई नया रास्ता निकाले ताकि वो उसको सेव कर सके। तो ऑफ कोर्स यार शी इज डूइंग दैट। वैसे आपको बता दें कि जब से शिविका के बीच तान्या नाम की मुसीबत आई है तभी से तान्या को फैंस का काफी हेट रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी शो नेगेटिव भी किया था तो वहाँ इतना नेगेटिव रिस्पांस नहीं था जितना मुझे इश्कबाज में मिल रहा है। फैंस लाइक यू नो मतलब ये कैसे कर सकती है, इश्कबाज इज गोना यू नो इश्कबाज पीपल इज गोना हेट यू लाइक एनीथिंग। तो हाँ रिस्पांस काफी नेगेटिव था यू नो लाइक माय कैरेक्टर, तो आई अप्रिशिएट इट बिकॉज यू नो दे आर जस्ट अप्रिशिएटिंग द कैरेक्टर नॉट जस्ट मी। तान्या अगर आप दो इश्कबाजों के बीच आएंगी और उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगी फिर तो फैंस आपको हेट रिस्पांस देंगे ही ना। और अब जरा एक नज़र अनिका यानी सुरभि के हॉट अवतार को भी देख लीजिए। सुरभि के सुपर डुपर हॉट अवतार को देखकर आपको बता दें कि सुरभि न्यूज़पेपर के लिए ये फोटो शूट करवा रही हैं और उनका ये हॉट एंड हैपनिंग लुक भी इसी फोटो शूट के लिए ही है।